नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप सीरीज में। आज हमारे बीच है शेफ मैनेजर हिमांशु शर्मा जी। आज आपको हम एक नए प्रोफेशन से रूबरू कराएंगे। इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, औपचारिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन शेफ आपका। दोस्तों, आप जब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आपके मन में अलग अलग करियर्स आते हैं। पहला चॉइस आता है कि हम जनरल मैनेजर बनेंगे या शेफ बनेंगे। आज हम आपको एक ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें शेफ और मैनेजर दोनों एस्पेक्ट्स हैं। और साथियों, इस बात की एक बेहद खूबसूरती जो एस्पेक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि आजकल होटल्स ने अपनी किचन सर्विसेज भी आउटसोर्सिंग पे शुरू कर दी हैं और इसमें बहुत सारी फैसिलिटी या सर्विस मैनेजमेंट कंपनीज आ गई हैं और शेफ मैनेजर हिमांशु शर्मा जी ऐसी ही एक हॉस्पिटैलिटी किचन सर्विसेज मैनेजमेंट कंपनी में शेफ मैनेजर हैं जो कि लगभग 12-15 होटल्स की किचन्स को मैनेज कर रहे हैं। तो है ना, एक महत्वपूर्ण पहलू आपके करियर की दिशा में एक नए एस्पेक्ट को लेके। तो शेफ साहब, पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये फैसिलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट कंपनी जो किचन को देखती है क्या चीज, क्या क्या करती है ये? आशीष, थैंक यू। इसमें होता क्या है कि होटल्स अपना बजट बचाते हैं अगर वो किसी एक F&B पार्टनर को अपने साथ लेके आ जाए। हमको उनके पूरे रेस्टोरेंट और किचन को संभालना होता है। दैट मीन्स हमको उनकी सेट एक डाउन SOPs के ऊपर काम करके स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए उनके गेस्ट को खाना प्रोवाइड करना होता है और सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। तो इस तरह से हाउसकीपिंग भी है, इस तरह से सिक्योरिटी भी है। जिस होटल को जैसा सेटअप सूट करता है वो वैसी कंपनीज को हायर कर लेता है। तो देखिए ना दोस्तों, दो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गई। एक कि आप ऐसी शेफ मैनेजमेंट कंपनीज में शेफ मैनेजर के लिए प्रयासरत हो सकते हैं, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। और दूसरी, कुछ अनुभव के पश्चात आप अपनी ऐसी फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं, आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को इस हॉस्पिटैलिटी जैसे डिमांडिंग प्रोफेशन में अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। शेफ साहब, आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे युवा आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में दिन कैसे बीतते हैं। तो वी विश टू टेक दिस सीरीज इनटू द डे इन अ लाइफ ऑफ अ शेफ मैनेजर ऑफ अ किचन फैसिलिटेशन सर्विसेज मैनेजमेंट कंपनी। तो आप बताइए सर, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं और क्या क्या क्रियाकलाप आप करते हैं? सी, अ टिपिकल डे फॉर शेफ स्टार्ट्स समवेयर अराउंड 5 इन द मॉर्निंग व्हेन यू हैव टू गो एंड प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। नॉट एग्जैक्टली प्रिपेयर, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द किचन, ट्रू, टू सी, मॉनिटर, टू कुक समटाइम्स एंड देन टू टेस्ट द फूड विच इज गोइंग फॉर द गेस्ट। इसके अंदर आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप उस खाने को चेक करें गेस्ट के पास जाने से पहले। वो आपके ऑफिस के अंदर नहीं हो सकता, वो तभी हो सकता है जब आप खाना बन रहा है जी। और गेस्ट की कोई कंप्लेन ना आए उसके लिए आपको ये मेक श्योर करना होता है कि वो सारे पैरामीटर्स जो आपने लेक डाउन किए हैं, हाइजीन के लेके, खाना बनने के प्रोसेसेस को लेके, वो सारी चीज़ें आप उसको कवर कर दें। तो ये एक मेन चीज़ है। उसके बाद आप गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कि एक नया सिनेरियो शुरू हुआ है होटल इंडस्ट्री में। शेफ्स पहले नहीं करते थे, मगर अब शेफ्स को पुश किया जाता है। शेफ को अच्छा लगता है, रादर पुश तो नहीं करूँगा, कि जाके वो गेस्ट से बात करे। 1-to-1 फीडबैक जो शेफ को मिलता है वो फीडबैक शायद एक सर्विस टीम को भी नहीं मिल पाता, क्योंकि गेस्ट को लगता है एक पर्सनल टच मिल गया है, शेफ मेरे सामने आ गया है, मैं उसको अपनी मन की बात कह सकता हूँ, शेफ समझ सकता है वो चीज़ को, उसको जाके किचन में रिक्रिएट करके अगले दिन बिल्कुल उसको सर्व कर सकता है। तो देखिए ना दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू जो आपके सामने उभर के आया कि पहला कि एज अ शेफ मैनेजर आप अपने दिन की शुरुआत जो है अपने बंद कैबिन या ऑफिस से नहीं करते। आप आज भी, यानी कि आप टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, आज भी आप ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। तो आपको हमेशा ऑपरेशंस के साथ जुड़े रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात सामने आई कि किचन के जो शेफ्स का रोल था वो सिर्फ खाना बनाने को या किचन मैनेजमेंट को लेके उससे अब बाहर निकल रहा है
और शेफ्स जो हैं उनके पास एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर एम्बेसडर्स ऑफ कुजीन ऑफ आर कंट्री टू द वर्ल्ड, और अपने गेस्ट से पूछना, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना, या अगर कोई इश्यूज या कंप्लेंट्स हैं तो उनको डील करना, ये एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि आज के इस करियर की डिमांड है। शेफ साहब, उसके बाद आपके दिन के, जैसे ये तो 5 से लेकर सुबह 10 बजे तक का कार्य हो गया, उसके बाद आप क्या क्या करते हैं? देखिए, मेरा काम बेसिकली होता है कि मैं अपनी टीम के साथ पूरे दिन में कम से कम तो 50 से 60 बार टच में रहता हूँ, 10-12 लोकेशन हैं, उनके साथ टच में रहता हूँ। मेरा काम है कि उनसे फीडबैक लेना कि क्या रहा उनका पिछला दिन, कैसा रहा, गेस्ट के फीडबैक्स क्या थे, जिन प्रिंसिपल्स के लिए हम काम करते हैं उन प्रिंसिपल्स के साथ टच में रह के उनसे पूछना कि हमारी टीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया। फिर MIS बनती है हम लोगों की, फूड कॉस्ट बनती है, वेंडर मैनेजमेंट होता है, तो ये तमाम चीज़ें जो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो काम करना होता है वो काम मेरा है। तो देखिए ना दोस्तों, कनेक्ट, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दिन में यानी कि अगर आप 12 यूनिट्स भी संभाल रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पे, तो औसतन आप प्रत्येक यूनिट से 5 से 6 बार कनेक्ट हो रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसके साथ आपकी MIS भी जो है वो बन रही है। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि एज अ पर्सन फ्रॉम कॉर्पोरेट, अगर 12 यूनिट्स हैं तो आप 2 यूनिट्स को दिन में फिजिकली विजिट भी करते होंगे, तो आपके पास ना केवल फिजिकल मूवमेंट है, फिजिकल विजिट्स हैं, एक केयरफुल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपकी इन्वॉल्वमेंट है जो कि दोनों तरह से है, आप वो सिस्टम जनरेटेड भी है या टेलीफोन के माध्यम से भी है और फिजिकल विजिट्स के माध्यम से भी है। उसके बाद शेफ साहब, शाम को आपकी क्या गतिविधियाँ रहती हैं? शाम को बेसिकली हमारा ये रहता है कि हम कोई मेन्यू, अगर कोई स्पेशल मेन्यू है, मोस्टली जैसे कुछ होटल्स के अंदर हम बैंक्वेट्स भी करते हैं, तो बैंक्वेट्स में क्या मूवमेंट है उसको डिस्कस करना, अगले दिन की क्या प्लानिंग है, वेंडर्स के साथ बात करना कि सप्लाईज हमारी अगर सही से आ रही हैं उनको और बेहतर कैसे बनाया जाए, और एक आधा गेस्ट से बात करना, कोई इन्फ्लुएंशियल गेस्ट है जिसके साथ हमको बात करना ज़रूरी होता है, तो वो काम भी रहता है कि आपको वो भी गेस्ट से बात करनी ही करनी चाहिए। तो देखें ना दोस्तों, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों साथ साथ बखूबी जिम्मेवारी से निभाना एक महत्वपूर्ण काम है। शेफ साहब, चलते चलते इन युवाओं को आप कोई 3 संदेश जो देना चाहें जो इनके करियर में आगे मददगार साबित हों, तो आप इन्हें बताएं, आपके हम बहुत मेहरबानी और शुक्रिया अदा करेंगे। आशीष, आपको भी पता है ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे अगर आपके पास पैशन नहीं है तो आप इसमें काम नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए। किचन लाइन एक ऐसी लाइन है जो बहुत डिमांडिंग है, इसमें सबसे पहला जो आता है वो है पैशन। शॉर्टकट्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये दूसरी चीज़ है कि आपको सीखना है, सीख आपकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तीसरी ये है कि जो टीम, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, जो या जो टीम आपके लिए काम कर रही है, उसके साथ आपको हमेशा सतत इंटरेक्ट करना है, बात करनी है, उनका मोटिवेशन बढ़ाना है और खुद मोटिवेट होना है कि आपके पास एक ऐसी टीम है जो काम कर सकती है, और टीम को ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो हमसे काम करवा सकता है और हमको रिवॉर्ड दे सकता है। तो दोस्तों, इंतज़ार किस बात का है, आपको 3 महत्वपूर्ण बातें शेफ ने बताई कि पहला पैशनेट रहिए, और दूसरा आप अपने लर्निंग टेम्परामेंट को बनाए रखें, सततता बनाए रखें, सीखने का आपका एटीट्यूड रहे, और तीसरा टीम स्पिरिट, कि हम हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में सफल तभी हैं जब हमारी टीम अच्छे से काम कर रही है। तो आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। उम्मीद करता हूं कि आपको अ डे इन द लाइफ ऑफ अ शेफ मैनेजर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल इंडिया होस्ट को, और इंडिया होस्ट पे एक अलार्म घंटी आपको नजर आएगी, उसको जरूर दबाइए ताकि नई नई वीडियोस जैसे आए आपको उनके बारे में समय पर जानकारी मिलती रहे। शेफ मैनेजर हिमांशु शर्मा साहब, आप हमारे इस सीरीज में सम्मिलित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई लीडरशिप सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।